अब चलिए बात करते हैं सीरियल कुंडली भाग्य की। यहाँ प्रीता और उनके परिवार वालों की आधी जिंदगी जो है ना वो पुलिस और पुलिस चौकी में ही बीत जाएगी या फिर उसके चक्कर काटते हुए। आपको नहीं लगता कि अब आपको इस झमेले से बाहर निकलना चाहिए, कहीं ये ना हो ये जो आधी जिंदगी बीत गई है उसके बाद की बाकी आधी भी ये पुलिस चौकी के इर्द गिर्द ही बीत जाए। भाई लगता है कि लूथरा परिवार के बेटों का समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अभी तक तो सिर्फ शौर्य जेल में था और अब राजवीर भी पहुंच चुका है जेल की सलाखों के पीछे। राजवीर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली कि उसे भी जेल के पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हेल्प करने गया था लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो फंस गया और वो शौर्य के साथ जेल में पहुँच चुका है। अब मुझे लगता है कि लूथराज अंशुमन पे कहीं ना कहीं भारी पड़ेंगे, क्योंकि भलाई का एक्चुअली बिल्कुल ज़माना नहीं है, ये तो हर किसी ने सीख लिया है ज़िंदगी में। तो यही शौर्य और राजवीर के साथ भी हुआ, दोनों अच्छा करने गए थे लेकिन फंसा दिए गए। अब राजवीर ने प्रीता को प्रॉमिस किया था कि वो अंशुमन पांडे का पर्दाफाश करेगा और शौर्य को भी जेल से बाहर निकालेगा। ऐसे में वो अंशुमन पांडे के सामने भी जाता है और उसे अपने प्लान में फंसाने की कोशिश भी करता है, लेकिन शातिर अंशुमन पांडे के सामने बेचारे सीधे साधे रणवीर का प्लान फेल हो जाता है और इसी बात को लेकर वो खुद को कोस रहा होता है। लेकिन यहाँ पहुँच जाती है पलकी राजवीर से मिलने के लिए और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने तो पूरी कोशिश की थी अंशुमन पांडे का पर्दाफाश करने के लिए। यहाँ पलकी राजवीर को ये भी बताती है कि अंशुमन पांडे जो है वो करण को ब्लैकमेल कर रहा है और उसकी सारी जायदाद मांग रहा है। पलकी के साथ तो इमोशन हमेशा वो प्यार वाला ही रहता है और उसी को हम लोग एक्चुअली वो प्यार जो है वो रिफ्लेक्ट होता भी है बातों से और आँखों से। तो वही पलकी के साथ जेल के अंदर भी वही प्यार बरकरार है और पलकी मुझसे मिलते हैं आती रहती है। अब अंशुमन पांडे का पर्दाफाश करने में तो प्रीता, करण और पलकी सभी लगे हुए हैं, लेकिन इस मौके का फायदा उठाना चाहती है निधि, जहां वो सभी घर वालों को बताती है कि प्रीता और करण के बीच कुछ तो चल रहा है। मैंने करण और प्रीता को एक होटल में जाते हुए और ये बात मैं प्रूव कर सकती हूँ, मैं इस बात का 100% नहीं 1000% श्योर हूँ कि करण और प्रीता के बीच में कुछ चल रहा है। प्रीता मुझसे मेरा करण छीनना चाहती है। और जैसे ही वो वीडियो कॉल कर ये दिखा रही होती है घर वालों को, तो वहाँ घर वालों को पलकी भी दिख जाती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ हो रहा है अंशुमन पांडे का पर्दाफाश करने के लिए। अरे भाई निधि, अगर आप प्रीता को अपने जाल में फंसाना चाहती हैं, तो उससे पहले थोड़ी रिसर्च तो कर लिया करिए। फिलहाल तो सभी घर वाले बस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द अंशुमन पांडे का किस्सा खत्म हो। मुंबई से इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।